सो लास्ट इसमें हमने पढ़ा था फैब्रिकेशन ऑफ डेफिनेटिव कास्ट, ठीक है। अब जब हमारा फैब्रिकेशन हो गया, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रिकॉर्ड कैसे करना है जॉ रिलेशनशिप को, है ना। ये इसमें हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिकॉर्ड कैसे करना है जॉ रिलेशनशिप को। इस रिकॉर्ड के लिए हमें चाहिए एक रिकॉर्ड बेस, ठीक है, एक ऑक्लूजल रिम्स, और ये सब फैब्रिकेट करना है डेफिनेटिव कास्ट में, है ना। अब जो रिकॉर्ड बेस है उसमें स्टेबल फाउंडेशन होना चाहिए, ऑक्लूजल रिम्स होनी चाहिए, और उसमें कॉन्टोर जो है उसको अप्रोप्रिएटली कॉन्टोर करना है ताकि हम एक्यूरेट रिकॉर्डिंग कर सके जॉ रिलेशन की। बहुत सारे मटेरियल्स हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम फैब्रिकेट करें जॉ बेसिस को और उनकी प्रॉपर्टीज़ को। अब एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और जो मेथड्स है वो भी डिस्कस की गई है। तो ऑक्लूजल रिम्स जो है वो वैक्स की बनी होती है और उनका डायमेंशंस, फैब्रिकेशन टेक्निक्स, ये सब भी डिस्कस की गई है। तो डेफिनेशन देखें तो रिकॉर्ड बेस क्या है, बेसिकली एक इंटर रिम डेंचर बेस है जो यूज़ किया जाता है ताकि सपोर्ट कर सके ऑक्लूजल या रिकॉर्ड रिम मटेरियल को फॉर रिकॉर्डिंग मैक्सिलो मैंडिबुलर रिकॉर्ड्स। उसके बाद जो स्टेबलाइज्ड रिकॉर्ड बेस है, तो जो रिकॉर्ड बेस लाइंड है मटेरियल से ताकि इम्प्रूव कर सके उसकी फिट, अडाप्टेशन और अंडरलाइंग सपोर्टिंग टिश्यूज़ को, ठीक है। ऑक्लूजल रिम क्या है, ऑक्लूडिंग सरफेस है, फैब्रिकेट किया जाता है इंटर रिम्स में या फाइनल डेंचर बेसिस में काय के पर्पज़ के लिए, मैक्सिलो मैंडिबुलर रिलेशन रिकॉर्ड्स और अरेंज करना टीथ को, और इसको हम रिम रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। और डेंचर बेस लास्ट आता है, डेंचर बेस। डेंचर बेस क्या है, पार्ट है डेंचर का जो रेस्ट करता है फाउंडेशन टिश्यूज़ में जिसमें टीथ अटैच्ड है, ठीक है। अब रिकॉर्ड बेस की डेफिनेशन जो हमने पढ़ ली पूरी, कि एक इंटर रिम डेंचर बेस है जो सपोर्ट करता है ऑक्लूजल रिम मटीरियल को फॉर रिकॉर्डिंग मैक्सिलो मैंडिबुलर रिकॉर्ड्स। फिर आ जाता है, इसको हम और क्या बोलते हैं, बेस प्लेट बोलेंगे, ट्रायल बेस या टेम्प्ररी बेस भी बोलेंगे। ये सपोर्ट करता है ऑक्लूजल रिम्स को और आर्टिफिशियल टीथ को ताकि क्लिनिकल प्रोसीजर्स जो है रिकॉर्डिंग जॉ रिलेशंस और ट्राइंस ये सब कर सके। अब क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसा होना चाहिए रिकॉर्ड बेस, रिजिड, एक्यूरेट, स्टेबल, बॉर्डर्स जो है फिनिश डेंचर की तरह होनी चाहिए और स्मूथ, राउंडेड, पॉलिश होनी चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए टीथ अरेंजमेंट के साथ, ईजी टू रिमूव नहीं होना चाहिए, कास्ट से ईजिली रिमूव नहीं होना चाहिए, थिकनेस जो है वो नॉट ग्रेटर देन 2 mm, ठीक है। एक्सेप्टेबल कलर जो है होना चाहिए ताकि वो ब्लेंड कर सके म्यूकोजा के साथ। अब किस किस मटेरियल्स का बना हुआ है सो हम उसको भी देखते हैं। मटेरियल्स में जो मटेरियल्स कॉमनली यूज़ किए जाते हैं रिकॉर्ड बेस बनाने के लिए वो क्या है, टेम्प्ररी बेसिस, तो ये क्या है, ये एलिमिनेट कर दिए जाते हैं प्रायर टू, ये जो बेसिस को एलिमिनेट कर देंगे प्रायर टू प्रोसेसिंग द डेंचर और उसको रिप्लेस किए जाते हैं नए डेंचर बेस मटेरियल से। ये कैसे हो सकते हैं, एक तो ऑटो पॉलीमराइजिंग एक्रेलिक रेजिन, एक लाइट क्योरिंग रेजिन, एक थर्मोप्लास्टिक रेजिन, शेलैक, बेस प्लेट वैक्स, स्टेबलाइजिंग बेसिस। शेलैक से आपने काम करा ये अपने जूनियर क्लासेस में। सो परमानेंट बेस क्या हो गया, जो रिकॉर्ड बेस हम उसको यूज़ करते हैं एज डेंचर बेस फॉर कंप्लीट डेंचर, वो हो गया अपना परमानेंट बेस। अब जो परमानेंट बेस होगा वो किस टाइप का होगा, एक तो हीट क्योर एक्रेलिक रेजिन, एक फ्लूइड रेजिन, एक मेटल बेसिस। फिर आ जाते हैं टेम्प्ररी बेसिस। टेम्प्ररी बेसिस में क्या है, ऑटो पॉलीमराइजिंग एक्रेलिक डेंचर बेसिस है ये। ऑटो पॉलीमराइजिंग एक्रेलिक डेंचर बेसिस क्यों, क्योंकि ये क्योंकि ये जो है ये मैनिपुलेट किए जा सकते हैं स्प्रिंकल ऑन टेक्निक से, है ना, डो टेक्निक से, फिंगर अडाप्टेशन, कन्फाइंड डो मेथड, स्टोन मोल्ड मेथड से, वैक्स कन्फाइंड मेथड से, फ्लास्क कन्फाइंड मेथड से, ठीक है। तो अब जो स्प्रिंकल ऑन टेक्निक है या फिर फिंगर अडाप्टेड डो टेक्निक है, ये सब कस्टम ट्रे बनाने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा। और ये टेक्निक सिमिलर है, जो मेन डिसएडवांटेजेस ये है कि जो फिंगर रैप्ड मेथड है ये इम्पॉसिबल है कि हम अडाप्ट कर सके और अप्लाई कर सके प्रेशर थ्रू आउट द ट्रे ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन के टाइम पे, हम कहीं पे भी अडाप्शन या प्रेशर नहीं लगा सकते। तो ये जो है इसके कारण क्या होता है, लिफ्ट ऑफ या रीबाउंड हो जाता है रेजिन कॉजिंग डिस्टॉर्शन। और इसको ओवरकम करने के लिए दो टेक्निक डिस्क्राइब की गई है, प्रेशर अप्लाई करने के लिए रेजिन और कन्फाइन होती है इसके पॉलीमराइजेशन के टाइम तक। स्टोन मोल्ड मेथड, ये
जो है 1 or 2 sheet ऑफ बेस प्लेट वैक्स ली जाती है, उसको डेफिनेटिव कास्ट के ऊपर अडेप्ट किया जाता है मास्टर कास्ट के ऊपर, ठीक है। और इसको ये क्या करते हैं, ये डुप्लीकेट करते हैं रिकॉर्ड बेस को उसकी थिकनेस और कॉन्टोर में, उसके जैसा ही उसको कॉपी करेंगे। स्मॉल वाइडली सेपरेटेड राउंड इंडेंटेशंस बनाते हैं लैंड एरियाज में कास्ट के। सेपरेटिंग मीडिया अप्लाई किया जाता है कास्ट के ऊपर। कास्ट को फिर बॉक्स कर दिया गया ताकि अचीव कर सके हम हाइट ऑफ एटलीस्ट 15 mm। इंडेक्स को पोर किया जाता है डेंटल प्लास्टर में, ठीक है, और रिमूव किया जाता है मास्टर कास्ट से सेटिंग होने के बाद। अब जो बेस प्लेट वैक्स है उसको भी रिमूव किया जाएगा और सेपरेटिंग मीडिया अप्लाई किया जाएगा बोथ द इंडेक्स एंड द कास्ट। अब ऑटो पॉलीमराइजेशन रेजिन जो है उसमें क्या होगा, ऑटो पॉलीमराइजिंग रेजिन मिक्स किया जाएगा, नीड किया जाएगा और रोल किया जाएगा एक शीट में और प्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इस इंडेक्स में जो प्लेस किया गया है टॉप ऑफ कास्ट में, वो फिट किया जाता है इंडेंटेशंस में, और असेंबली जो है वो कन्फाइंड है, ठीक है, और हैवी रबर बैंड्स। अब जो रेजिन है उसको पॉलीमराइज किया गया एक प्रेशर पॉट में फॉर 20 मिनट्स एंड 20 psi प्रेशर, ताकि क्यों किया गया है, ताकि पोरोसिटीज और बेंच क्योर रिड्यूस किया जाए, रिड्यूस पोरोसिटीज और बेंच क्योर्स। एक बार पॉलीमराइजेशन कंप्लीट हो गया तो बेस प्लेट सेपरेट हो जाएगी कास्ट से, फिर उसको ट्रिम करो, पॉलिश करो। ये हुई अपनी स्टोन मेथड। उसके बाद आती है वैक्स मेथड। तो वैक्स कन्फाइंड मेथड में क्या होगा कि ये बेस प्लेट वैक्स और एक्रेलिक रेजिन को कंबाइन करती है और रिकॉर्ड बेस बनाती है। ये जो है ये यूज़ की जा सकती है एज मेथड ताकि एक स्टेबलाइज रिकॉर्ड बेस बना सके वैक्स का। किसको, एक्रेलिक रेजिन यूज़ करके अंडरकट्स को भी ब्लॉक कर सकते हैं वैक्स से। 3 लेयर्स होती है सेपरेटिंग मीडिया की, ठीक है, और कास्ट को सेट होने देते हैं फॉर 10 मिनट्स। अब एक शीट ली जाती है ऑफ बेस प्लेट वैक्स, उसको अडाप्ट किया जाता है एंटायर कास्ट में कितना, 2 mm शॉर्ट बॉर्डर का। अब जो थिन मिक्स है ऑटो पोलमराइजिंग रेजिन का, उसको ऐड किया जाता है बॉर्डर में ताकि सल्कस को भर सके। अब जो रेजिन है उसको भी ऐड किया जाता है फिटिंग सरफेस में ऑफ दी अडाप्टेड वैक्स, और वो पूरा सरफेस जो 2 mm तक कवर करती है। अब जो इनिशियल सेट हो गया है उसके बाद जो बेस प्लेट वैक्स है उसको अनपॉलीमराइज्ड रेजिन से इन्वर्ट किया जाता है और कास्ट में रख दिया जाता है, और फिर उसको इवनली कंप्रेस किया जाता है जब तक कि रेजिन एक थिकनेस 2 mm की अटेन ना कर ले। अब जो रेजिन है उसको हम क्योर होने का टाइम देते हैं, ट्रिम होने का और पॉलिश होने का। अब इसके एडवांटेजेस क्या है एक्रैलिक के, कि ये फिटे एक्रैलिक जो है फिट होने पे एक एक्यूरेसी और रिजिडिटी देता है। वैक्स जो होता है आउटर सरफेस में, ये बेटर अटैचमेंट देता है वैक्स ओक्लूजल रिम्स को। अब आ जाता है फ्लास्क कन्फाइंड मेथड। तो बेस प्लेट वैक्स शेप जो है वो अडेप्ट किया जाता है मास्टर कास्ट में और शार्प किया जाता है टू फाइनल कॉन्टोर ऑफ रिकॉर्ड बेस। उसके बाद जो ये है इसको फ्लास्क किया जाएगा, डी वैक्स किया जाएगा ताकि परमानेंट बेस बन जाए हीट क्योर एक्रैलिक रेजिन में। अब डीवैक्सिंग के बाद जो ऑटो पॉलीमराइजिंग रेजिन है उसको मिक्स किया जाएगा, नीड किया जाएगा डो लाइक कंसिस्टेंसी में और पैक किया जाएगा। फ्लास्क को क्लोज किया गया, क्लैंप किया गया टाइटली और रेजिन को क्योर करा अंडर प्रेशर। अब लाइट क्योर और थर्मोप्लास्टिक रेजिन तो डिस्कस किए गए हैं फैब्रिकेशन ऑफ कस्टम ट्रेस में हमने पहले भी। अब शेलैक पेस्ट, शेलैक किससे डिराइव्ड है, इज डिराइव्ड फ्रॉम रेजिनस एक्सुडेट्स, किसके, स्केल इंसेक्ट्स के। ये थर्मोप्लास्टिक है और ब्राउन होते हैं कलर में, बट ये ब्लीच कर हो सकते हैं अदर कलर्स में जैसे कि पिंक वगैरह। तो ये जो है ये शेप्स में अवेलेबल होता है मैक्सिलरी और मैंडिबुलर आर्क के। अब क्या करते हैं, इसमें कास्ट को कोट किया गया पाउडर टेल्क से, डिप किया गया स्लरी वाटर में, ताकि क्यों करा गया, ताकि शेलैक को कास्ट से स्टिक ना हो जब भी हम उसको हीट करें। और जो बेस प्लेट है उसको फिर सेंटर्ड किया गया कास्ट के ऊपर, फ्लेम किया गया और ये सॉफ्ट किया गया और फिर प्लेस करा गया कास्ट में। अब जो शेलैक है उसको अडेप्ट किया गया फ्रॉम सेंटर टू द पेरीफेरी यूजिंग अ वेट कॉटन स्वैप, और प्रिवेंट करता है क्रीजेस प्रिवेंट करता है। जो बॉर्डर्स है वो अडेप्ट की गई है एक वैक्स पैचुला को लेकर, वाइल जो सॉफ्ट एक्सेस है उसको ट्रिम किया गया सीजर से, ठीक है। जो फॉर्म्ड रिकॉर्ड बेस है वो जेंटली टैप किया जाता है ताकि फोर रॉकिंग कोई हो रही हो तो वो सब। स्पेसिफिक एरियाज़ को हीट किया जाता है
रीअडाप्ट किया जाता है, बॉर्डर जो है बेस प्लेट को उसको स्मूथ किया जाता है फाइलर से या आर्बर बैंड से, और प्रेजेंस जो है ग्लॉसी एरिया की या टिश्यू सरफेस में, वो हमें बताती है कि इम्प्रॉपर अडाप्टेशन हुआ है और उसको फिर हमें रीअडाप्ट करने की ज़रूरत है। उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या है कि ईजी टू फैब्रिकेट है ना। डिसएडवांटेज ये है कि डिस्टॉर्ट हो सकती है, ब्रेक हो सकती है ड्यू टू लैक ऑफ रिजिडिटी, और उसको रीइन्फोर्स करना है, स्टेबलाइज करना ज़रूरी है। अब रीइन्फोर्स कैसे करेंगे, ऑर्थोडोंटिक वायर ले लिया या पेपर क्लिप्स ले ली, रीइन्फोर्स करा शैलैक को और उसको प्लेस किया पोस्टीरियर बॉर्डर्स में मैक्सिलरी कास्ट की, जो लिंगुअल है क्रेस्ट से रिज के एंटीरियरली टू द मैंडिबुलर क्रेस्ट। फिर वैक्स रिकॉर्ड बेसिस देखे तो हार्ड बेस प्लेट वैक्स यूज़ की जाती है, रीइन्फोर्स की जाती है वायर्स के साथ, ठीक है। एडवांटेज क्या है, ईजी टू फैब्रिकेट इन लेस टाइम। डिसएडवांटेज लैक ऑफ डिमेंशनल स्टेबिलिटी एंड रिजिडिटी, टेंड टू डिस्टॉर्ट ईजिली, है ना, इसलिए नॉट रिकमेंडेड। स्टेबलाइज बेस क्या होता है, एक रिकॉर्ड बेस जो लाइंड है मटीरियल से टू इम्प्रूव इट्स फिट एंड अडेप्टेशन टू अंडरलाइंग सपोर्टिंग टिश्यूज़, ठीक है। तो इसमें जो शेलैक और वैक्स है वो कॉमनली स्टेबलाइज करते हैं। ये आप देखो, दिस इज़ फर्स्ट वन इज़ होल्स बनाते हैं जो शेलैक बेस प्लेट में। फिर उसके बाद जो मीडियम बॉडी इम्प्रेशन मटेरियल अप्लाई किया गया टिश्यू सरफेस में बेस प्लेट की, फिर जो शेलैक बेस प्लेट है वो स्टेबलाइज कर रही है बाय अप्लाइंग प्रेशर, देन स्टेबलाइज रिकॉर्ड बेस जो टिश्यू सरफेस का हमें अपटेन हुआ है। अब जो शेलैक और वैक्स बेसिस है वो कॉमनली स्टेबलाइज करते हैं, बट एडिशनल टाइम लगता है इसमें फॉर द प्रोसीजर। मटेरियल कौन कौन से यूज़ हुए, जिंक ऑक्साइड, यूजिनॉल इम्प्रेशन पेस्ट और इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल, मीडियम बॉडी या ऑटो पॉलीमराइजिंग रेजिन। प्रोसीजर ये है कि सिमिलर है सारे मटेरियल्स के लिए, जो शेलैक है या वैक्स है उसको पहले अडेप्ट किया गया कास्ट में, रिमूव किया गया और कुछ रिलीफ होल्स प्लेस किए गए, सेपरेटिंग मीडियम अप्लाई किया गया कास्ट में जो स्टेबलाइज करता है मटेरियल को, स्टेबलाइजिंग मटेरियल को मिक्स करता है, लोड किया जाता है टिश्यू सरफेस में रिकॉर्ड बेस के और फिर रिप्लेस किया जाता है कास्ट में, और एडिक्वेट प्रेशर देता है, थिकनेस मेंटेन करता है और उसको अलाउ करता है सेट होने में के लिए, है ना। अब ZOE इम्प्रेशन पेस्ट देखें तो उसका डिसएडवांटेज क्या है, एक्सेसिव थिकनेस अंडर कट्स को भी ब्लॉक करना ज़रूरी है। इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल, तो जो मटेरियल है वो एक्सटेंड कर जाता है अंडर कट्स में, तो उसका डिसएडवांटेज ये है कि मटेरियल बहुत एक्सपेंसिव है और एक्सेसिव थिकनेस का है। फिर ऑटो पोलमराइजिंग रेजिन की डिसएडवांटेज क्या है कि जो ये रेजिन है ये रैप करते रिकॉर्ड बेस को ड्यू टू रिलीज ऑफ स्ट्रेसेस। देन आते हैं परमानेंट बेसिस, हीट क्योर रेजिन में ये जो है ये एक रिकॉर्ड बेस की तरह सर्व कर रहा है और सब्सिक्वेंटली डेंचर बेसिस बन जाते हैं। अब प्रोसीजर देखें तो एक लेयर होती है बेस प्लेट वैक्स की जो अडेप्ट की जाती है डेफिनेटिव कास्ट में, कॉन्टूर की जाती है शेप में रिकॉर्ड बेस के, ठीक है। और जो कास्ट है उसको इन्वेस्ट किया जाता है, फ्लास्क किया जाता है थ्री पोर टेक्निक्स में, डी वैक्सिंग कैरी की जाती है, वैक्स को हटाया जाता है कम्प्लीटली, ठीक है। हीट क्योर डेंचर बेस एक्रेलिक रेजिन जो है वो उसको मिक्स किया जाता है, पैक किया जाता है मोल्ड में, ठीक है। कंप्रेशन मोल्डिंग टेक्निक्स और हीट जो है वो यूज़ किया जाता है पॉलीमराइजेशन के लिए। ऑल्टरनेटली जो इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्निक है उसको भी यूज़ किया जा सकता है ताकि प्रोसेस कर सके या हीट प्रोसेस कर सके हीट क्योर एक्रेलिक रेजिन को। अब इसका एडवांटेज क्या है कि स्ट्रॉन्ग और रिजिड है, थिकनेस भी कंट्रोल की जा सकती है बाय मैनिपुलेटिंग वैक्स, मिनिमल फिनिशिंग की ज़रूरत है। डिसएडवांटेज ये है कि ये फ्लास्किंग के टाइम पे डैमेज हो सकता है इसलिए डुप्लीकेशन की ज़रूरत है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। फ्लूइड रेजिन बेस देखे तो ये एक पोरेबल केमिकली एक्टिव एक्रेलिक रेजिन है फैब्रिकेशन के लिए, ये एक डेंचर बेस्ड मटेरियल की तरह यूज़ हो सकती है। तो जो वैक्स है वैक्स रिकॉर्ड बेस जो है कास्ट के साथ उसको भी प्लेस किया जाता है मॉडिफाइड डुप्लीकेटिंग फ्लास्क में विथ स्प्रूज और फिल किया जाता है रिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइट्स के साथ। अब चिलिंग आफ्टर चिलिंग मतलब हाइड्रोकोलाइट को चिल करने के बाद जो वैक्स पैटर्न होगा रिकॉर्ड बेस का उसको रिमूव किया गया, रेजिन को मिक्स किया गया और पोर किया गया मोल्ड में और क्योर किया गया। एडवांटेजेस क्या है, इम्प्रूव्ड अडेप्टेशन, सिंप्लीफाइड फ्लास्किंग प्रोसेसेस। डिसएडवांटेज ये है कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पुअर कंपेयर प्रॉपर्टीज़ जो है वो पुअर है कंपेयर टू कन्वेंशनल हीट प्रोसेस रेजिन्स, टेक्निक सेंसिटिव है और ये फैब्रिकेट किया जा सकता है यूजिंग इंजेक्शन मोल्डेड टेक्निक।
मेटल बेसिस देखें तो यूज़ किए जाते हैं एज परमानेंट डेंचर बेस्ड मटेरियल। प्रोसेसर वही सिमिलर है फैब्रिकेटिंग कास्ट मटेरियल, कास्ट मेटल पार्शल डेंचर मास्टर कास्ट, ये डुप्लीकेट किया गया। फिर रिफ्रैक्टरी कास्ट पोर किया गया, वैक्स पैटर्न फॉर्म किया गया रिफ्रैक्टरी कास्ट में, जो फिर बाद में स्प्रूड इन्वेस्टेड एंड कास्ट विथ सूटेबल अलॉयज। ठीक है, दिस इज़ रिकॉर्ड बेड मेज ऑफ कास्ट मेटल। उसके बाद आपके एडवांटेजेस क्या है, रिजिड एक्यूरेट डिमेंशनली स्टेबल इजी टू मेंटेन, गुड थर्मल कंडक्टिविटी एड्स मोर वेट टू मैंडिबुलर डेंचर, लेस रिएक्शन विद द म्यूकोसा, ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। डिसएडवांटेजेस ये है कि एक्सपेंसिव है और टाइम लगता है फैब्रिकेशन के लिए, ऑल्ट्रेशन रीलाइनिंग रीबेसिंग डिफिकल्ट है। और मटेरियल्स कौन से यूज हुए, टाइप 4 गोल्ड अलॉय, क्रोमियम बेस अलॉय, टाइटेनियम एंड टाइटोनियम अलॉयज। देन नेक्स्ट विल स्टार्ट, ये तो हुआ रिकॉर्ड बेस के बारे में, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अबाउट